यहाँ पे आप देख रहे हो लिथियम आयन के सेल पड़े हैं काफी सारे। तो ये जो पहला ग्रुप है ये लिथियम आयन NMC के सेल है, और ये जो दूसरा ग्रुप है वो लिथियम फॉस्फेट LiFePO4 का ग्रुप है। ये वाले जो है वो 18650 का मॉडल है, ये 26650 का मॉडल है, और ये है जो 32700 का मॉडल है। हमारा जो DIY प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हम अभी ये फिलहाल HLY26650 का सेल यूज कर रहे हैं। हम ये भी यूज कर सकते हैं 32700, बट हमारे पास साइज का थोड़ा इश्यू है, थोड़ा हमें कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, इसलिए हम ये सेल यूज कर रहे हैं। और अगर इन डीप में जानना है कि ये सेल यूज क्यों करना है, तो उसके लिए हम एक और वीडियो डिटेल में बना के जो सिर्फ सेल का ही सब आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अभी आपने ये जो प्रोसेस देखा वो हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 17.7 है और उसका वोल्टेज 4.18 है। सब आप देख रहे हैं ये BMS है, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम। हर बैटरीज के अंदर एक BMS लगेगा, उसके वोल्टेज, फिर उसका कितना एम्पियर का पावर चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए, चार्ज चाहिए, उस हिसाब से BMS लगेगा। हम अभी 48 वोल्ट का बैटरी बना रहे हैं, तो जिसके लिए लगेगा हमें 13 सीरीज का BMS लगेगा, 13S और 20 एम्पियर का हम BMS यूज कर रहे हैं। तो ये 48 वोल्ट 10 एच का बैटरी टोटली रेडी हो गया है।